बेसिकली मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जहां के बारे में लोगों ने पता नहीं कितनी अफवाहें फैलाई है कि यहां भूत है, प्रेत है, आत्माएं हैं। तो फिलहाल देखते हैं हेलमेट रखने का क्या जुगाड़ है। वैसे यहां लग नहीं रहा कि यहां पे भूत प्रेत या आत्माएं होंगी, क्योंकि यहां की जो वाइब है काफ़ी पॉजिटिव है। हर तरफ मंदिर ही मंदिर है, यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं। तो ये है वो सीढ़ी जहाँ से लोग चढ़ना शुरू करते हैं। तो सीढ़ी को देख के ही पॉजिटिव वाइब आ रही है। पहला दर्शन हेलमेट मैंने रख दिया है। दस को नोट बाबा की चढ़ा दी पहला शगुन ने, मना के जाए काम सफल होगा सब। बोलो। मैं तो बोली ना। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी चढ़ाई। लोगों ने इस जगह के बारे में काफी वीडियोस बनाई है, यूट्यूब पे डाली है कि यहाँ भूत है, प्रेत है। लेकिन यहाँ आके ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, हर तरफ पॉजिटिव वाइब्स है। ये देखो, मेरे ख्याल से ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनका पिंड यहाँ पे दान किया जा चुका है या फिर जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। मेरे चेहरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ का व्यू है, तो मैं आपको वही दिखाता हूँ। यहाँ से ऊंचाई लगभग 9-9.5 फीट की है और चार सीढ़ी चढ़ने के बाद ही मेरी सांस फूल रही है। माइक मेरा उल्टी तरफ घुमा हुआ है और ये जो आप डोली देख रहे हैं इसमें उन लोगों को ले जाया जाता है जो ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते हैं या फिर मेरी तरह जिनकी सांसें फूलती है। हाइट देखो आप कितनी ऊंची है और जैसा मैंने बताया 9-9.5 फीट की ऊंचाई है, मतलब 9-9.5 फीट। पचास सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी और काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं। देखो ये पूरा पहाड़ है और पहाड़ों पे सीढ़ियाँ बनी हैं और ये सब कुछ भिखारी हैं जिनको देने के लिए फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पीछे देखो आप, जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा हूँ वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, बेसिक बात है।
तो जैसा लोगों ने इस पहाड़ के बारे में कहा है, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है मुझे। जहाँ तक लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं, तो चलते हैं किसी बैठने की जगह पे, वहाँ पे बैठ के कुछ बातें करते हैं। खड़ी चढ़ाई है। देखो, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो अपने साथ एक पानी बॉटल जरूर लेके चढ़ना, जो कि मैं नहीं लेके आया हूँ। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैंने किसी से पूछा भी नहीं और बस निकल गए। ये बच्चे कभी नहीं खाते, ये दिन भर पहाड़ों पे ही रहते हैं। ऊपर नीचे करना इनका रोज का काम हो गया। 100 सीढ़ियां तो मैं चढ़ चुका हूँ लगभग। देखो आप कितनी ऊंचाई पर है, और बुजुर्ग से बुजुर्ग और यंग से यंग लोग यहाँ चढ़ जाते हैं। लगभग 100 फीट ऊपर चढ़ने के बाद अब लग रहा है कि वापस चले जाएं, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ मैं लेके नहीं आया हूँ। और दो ब्लॉग मैंने करी है, दोनों ब्लॉग में ऊपर ही चढ़ जा रहा हूँ, पहाड़ी इतने क्या करूँ। तो यहाँ लेते हैं थोड़ा स्टे। मैं फ्रूट्स लेके आया हूँ, एप्पल, तो उसे खाते हैं फिर आगे चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले खा ही लेते हैं। बेसिकली यहाँ के बारे में लोगों ने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं कि यहाँ पे भूत है, प्रेत है, किसी ने तो ये भी बोला है कि यहाँ आत्माएं दिखती है। और यहाँ की वाइब से तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि यहाँ ऐसा कुछ है। चारों तरफ देखो आप, हर तरफ भगवान ही भगवान है। तो पूछते हैं यहाँ के पंडित जी से कि यहाँ का क्या सीन है। स्थान है और प्रेतशिला स्थान पर जो भी कोई प्रेत आत्मा या ऐसा कुछ है तो उनका यहाँ मोक्ष का धाम है, और इनके तरफ से वहाँ ब्रह्मा जी का चरण है जहाँ 3 स्वर्ण का रेखाएं हैं और सामने साक्षी भगवान विष्णु हैं। प्रेत पर्वत है, महाकाल है। रह गई बात कि यहाँ गया श्राद्ध जो करते हैं वो 45 वेदी, तो यहाँ उनको आना अनिवार्य है, और जो नहीं आते हैं तो उनके अलग की बात है, क्योंकि बशर्ते यहाँ आना उनका अनिवार्य है। यहाँ मोक्ष धाम है, यह प्रेतशिला पर्वत है। और यहाँ के बारे में कहा गया कि जैसे जिसकी अकाल मृत्यु होती है वहाँ, उसका पिंडदान यहाँ कर देने से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष धाम है, प्रथम आपको बता दी। हाँ, कि जो भी माने एक्सीडेंटल मृत्यु हुआ तो जो भी यहाँ पर पिंडदान करेंगे तो उनका मोक्ष धाम है।
या स्वाभाविक मृत्यु भी मरे तो उनका भी यहाँ मोक्ष धाम है। और ये सब तो गलत बात है कि यहाँ भूत है, प्रेत है, आत्मा है, ये सब नहीं, ये गलत चीज है। आत्मा का यहाँ मोक्ष है, ये नहीं कि यहाँ पर भूत है ना प्रेत है, कुछ ऐसा नहीं है। रह गया कि यहाँ पर उनका मोक्ष का धाम है। यहाँ पर जिसके शरीर पर किसी तरह का आत्मा भी है तो यहाँ आने से उनका शरीर छोड़कर वो अपना शांति बना लेते हैं, और यहाँ और कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। जैसा आपने सुना कि पंडित जी ने साफ साफ कहा है कि ये मुक्ति धाम है, तो यहाँ पे अगर कोई आत्मा आती है जिसकी अकाल मृत्यु है या फिर जिसका पिंडदान यहाँ पे होता है, वहाँ उसकी यहाँ पे मुक्ति मिलती है, ना कि यहाँ पे भटकते रहते हैं। तो जितने भी भाइयों ने यहाँ पे यहाँ के बारे में गलत अफवाहें फैलाई है या वीडियोस बनाई है कि यहाँ पे भूत है, प्रेत है, तो बिल्कुल गलत है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो बिल्कुल आइए, ज़रूर आइए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मैं फील कर रहा हूँ वो चीज़, इसलिए आपको बता रहा हूँ, है ना। तो टॉप पे पहुंच चुका हूं, ये देखो। मैं अभी मंदिर के पीछे हूं। जैसा कि आपने सुना, पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे ऐसा भूत प्रेत आत्माएं कुछ भी नहीं है। अगर किसी की आत्मा, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हुई है और उसका पिंड यहाँ पे दान किया जाता है, तो उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, ना कि यहाँ उनकी आत्माएं भटकती रहती है। तो जिन भाइयों ने भी यहाँ के बारे में गलत वीडियोस बनाई है या अफवाह फैलाई है, वो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप अगर यहाँ आप आना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स है। और ये प्रेत योनि आत्माएं भूत वगैरह की बात बिल्कुल गलत है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग यहाँ आने से डरते हैं। जैसा आपने वीडियोस में देखा, मेरी वीडियो में देखा, बहुत सारे लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, तो यहाँ पे मुक्ति मिलती है, ना कि वह आत्माएं यहाँ आके भटकती है। तो बिल्कुल गलत है, और सच बात यह है कि ये बिल्कुल पवित्र जगह है। अगर आपके शरीर में कोई आत्मा भी है, जैसा पंडित जी ने बताया, तो यहाँ पे आने के बाद उसे भी मुक्ति मिल जाएगी और वो आपके शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि विष्णुपद मंदिर में भगवान ब्रह्मा की पैर की जो चिन्ह है, पैर का जो चिन्ह है वो यहाँ पे भी है, और ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से दो लकीरें खींची है जो सोने की लकीरें हैं, बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड की लकीरें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वहीं पे और दिखाते हैं आपको वो। ऊपर दिखा दीजिए थोड़ा अच्छे से। ये देखो, ये भगवान ब्रह्मा का चरण है, चरण है, और यही लकीर है। एक ये है, ये सोने की लकीर है, और एक ये है, ये बिल्कुल गोल्ड प्लेट है, असली सोना है। ये है, इसके बारे में कुछ बताइए पंडित जी। सतयुग में सोना का शिला था, भगवान जब जग किए थे तो यहाँ पिता माता भाई बंधु इष्ट मित्र सास ससुर चाचा चाची दादा दादी नाना नानी सभी के नाम से कुल कुट में जितने मरे हैं उस यहाँ सभी का मुक्ति का स्थान है। श्राद्ध आप कहीं भी कर लेंगे और इस स्थान पर पिंड नहीं देंगे, उस वक्त तक उस व्यक्ति का मुक्ति नहीं होगा। जब आप इस स्थान पे पिंड दे देंगे तो पितर अप्रेत दोनों का मुक्ति हो जाएगा। और गूगल जैसे सर्च किया मैंने गूगल पे, तो गूगल पे बताया गया कि यहाँ पे सीता और श्री राम राजा दशरथ का श्राद्ध मतलब पिंड दान करने और राम शिला में, वो सही बात है। हाँ सही बात है, सीता माय फल्गु में दिए थे राजा दशरथ को बालू का पिंड, और रामचंद्र जी रामशिला में जग किए थे। ऊपर में जाइएगा, पतालेश्वर शंकर भगवान है, राम सीता माई का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता का, माँ पार्वती का मंदिर है ऊपर में, और रामचंद्र जी का चरण है ऊपर में। नहीं, वहाँ रामशिला यहाँ से 8 किलोमीटर पीछे बैक। बहुत थैंक यू पंडित जी। तो जैसा आपने सुना
कि आप श्राद्ध तो कहीं भी कर लेंगे, लेकिन अगर पिंडदान आपने यहाँ पे नहीं किया तो जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे पिंडदान करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रामशिला मंदिर है, तो वहाँ तो मैं आज नहीं जा पाऊँगा, वहाँ अगली वीडियो में मिलते हैं और अगले ब्लॉग में। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नई लोकेशन के साथ। और अगर आप यहाँ से नीचे उतर रहे हैं तो बिल्कुल भी दौड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप एक बार दौड़ना शुरू करते तो फिर रुकना आपका मुश्किल हो जाता है। तो ये गलती मत करना, आराम से उतरना। मुश्किल से आपको 20 मिनट लगने वाले हैं उतरने में। तो बस ख़त्म, यहाँ पे आइए, मज़े करिए, एंजॉय करिए और अपने पूर्वजों का उद्धार करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।